एगो जंगल में शेरू नाम के एगो शेर रहत रहे। अपना शिकार के फांसे के लिए वो एगो लोमड़ी के अपना सेविका के रूप में रखले रहे। लोमड़ी हमेशा जानवरन पे नजर रखत रहे और ओकनी के अकेला पाके शेर के खबर कर देत रहे। तब शेर मौका देख के जानवरन के शिकार करत रहे और थोड़ा बहुत ओकरा में से बचा के लोमड़ी खातिर छोड़ देत रहे। एगो दिन हाथी, बंदर, भालू और हिरन मिलके इस समस्या पर चर्चा कैलन जा। बानर पेड़ पर बैठ के लोमड़ी के आवे के पहरा देवे लागल। जब से लोमड़ी शेर के साथ मिलल बिया, हमनी के जियल मुश्किल हो गइल बा। दबे पाव आवेले औरी फिर कौनो भी जानवर के अकेला देख के जाके उस शेर के बता देवेले। अगर ऐसे ही चलत रही तो एक एक करके ही जंगल के सब जानवर के खत्म कर दी है सन। हमनी के कुछ ऐसा करे के चाही जैसे कि इन दोनों के चंगुल से निकल सकी जा। हमरा तो कुछ हो नहीं खे बुझात, लेकिन अगर मुटका हिरन यहाँ रहित तो कुछ आइडिया जरूर दीहित। तू सही कहा तारा, अगर जंगल में आज ही पेड़ ना हो खेत तो मोटू हमरा बीच मौजूद होइत। भालू सामने खड़ा एगो पेड़ के तरफ इशारा करके कहलस। ये पेड़ ना होई तो मोटू हमनी के बीच मौजूद रहित, मतलब? मोटू हिरन एक दिन यहाँ से गुजरत रहे, वो दिन धूप बहुत तेज रहे, यही से वो पेड़ के नीचे बैठ के आराम करे लागल रहे। तब यही पेड़ के पत्ती से दूध टपके लागल और ओकर आँख में चल गई। सुन के सब पेड़ के पत्तियन के तरफ देख लन जा और हाथी कहलस। अरे हाँ, इमे से तो दूध गिर रहल बा। ई खाली देखही में दूध बा, लेकिन बाटे बहुत खतरनाक। मोटू के आँख में दूध गिरला के तन के देर के बाद वो आन्हर हो गईल। बस एकर बाद ही ओकरा हमेशा खातिर दिखल बंद हो गईल। आन्हर भइला के कुछ दिन के बाद तक वो इधर उधर भटकत दिखाई देलस, लेकिन ओकर बाद वो कहाँ चल गईल ये अभी तक एगो राज बा। ई सुन के सबके ओकरा पे तरस आए और तब हाथी खुश होके बोललस। दोस्तों, अब समझलो कि हमनी के शेर और लोमड़ी से छुटकारा मिल गईल। इतना कह के हाथी सबके आपन तरकीब बतौलस, जेकरा के सुन के सब खुश हो गई लंजा। ओकनी के पता रहे कि लोमड़ी ओकनी के मौजूदगी के खबर देवे के साथ साथ शेर के इहो खबर देले कि कौन कौन जानवर का बात करता। शाम के टाइम सब जानवर जानबूझ के उ पेड़ के पास इकट्ठा हो गई लंजा। हाथी, भालू और हिरन जोर जोर से बात करे लगलन जा, जेकरा के सुन के लोमड़ी उहवा आ जाए। बानर चुपचाप ओही पेड़ पर बैठ के पहरा देत रहे। थोड़ी देर बाद वो देखलस कि सामने से लोमड़ी आवत रहे। दोस्तों, लोमड़ी दबे पाव इधरे आ रहल बिया, अपन आइडिया के हिसाब से काम कल शुरू कर दा लोग। ओकर बात सुन के सब लोग और जोर जोर से हंसे लगलन जा, जेकरा के सुन के लोमड़ी और तेज रफ्तार से ओकनी के पास आ गई। फिर वो झाड़ियन के बीच छुप के ओकनी के बात सुने लागन। दोस्तों, आज के बाद कभी भी हम उस शेर और लोमड़ी के चंगुल में ना फंसब जा। अब हमनी के हाथ ही जादुई पेड़ के पत्ती जे लाग गई बा। सही कहला दोस्त, अब तो बस अपना आँख में ही पेड़ के पत्ता के तोड़ के बस चुआवे के बा। इकर बाद हमनी के आँख इतना तेज हो जाई कि शेर और लोमड़ी हमनी के दूर से आवत भी दिखाई दे दी। ई सुन के लोमड़ी खुश हो गई और कहलस, ई लोगन के तरकीब एकनी के कभी बचा ना पाई। कह के लोमड़ी वहां से भाग के शेर के पास में चल गई। ओकरा जाते ही बानर पेड़ के ऊपर से कहलस। दोस्तों, हमनी का चाल कामयाब हो रहल बा, लोमड़ी शेर के बतावे खातिर यहाँ से जा चुकल बिया। ई सुन के सब जानवर खुश हो गई लंजा और आस पास ही झाड़ियन में जाके छुप गई लंजा। थोड़ी देर बाद लोमड़ी शेर के साथे उहो आईल और हाथी ओकनी के देख के चुप हो गई। हमरा बताओ, तू कौन पेड़ के पत्ता के बात करत रहले हा, जकर दूध से आँख के रोशनी तेज हो जाले। पेड़ के पत्ता, दूध,
ई तू कैसन बात कर रहल बाड़ा? ज्यादा होशियार बने के जरूरत नहीं है, हम अपना कान से सुन ले रही। तू लोग जौन भी पेड़ के बारे में बोलत रह जा। ई सुन के हाथी कहलस, अब तू सुनिए लेले बाड़ू त बता देवतानी। है जोन पेड़ बानू, एकर पत्ती से ऐसन दूध निकलेला कि वो आँख में डालल जाए तो रोशनी बहुत तेज हो जाले। अभी तक जौन जौन भी जानवर एकर दूध आँख में डालले बाड़े, वो तारा दोनों के दूर से ही देख के भाग जाले। तबे तो हम यहाँ अकेले खड़ा बानी। अब तारा लोग की चाल ना चल पाई, हम भी एकर दूध के आँख में डाला। लेकिन शेरू, तू एकरा के अपन आँख में कैसे डलबा? एकर डाल तो ढेर ऊंच बा, और तू वहाँ तक कैसे पहुँच बा? हम जंगल के राजा बानी, बुझले? कह के शेर पेड़ पर बैठल बानर से कहलस, बंदर जोन पेड़ पर ते बैठल बाड़े ओकर एगो टहनी तोड़ के हमरा पास फेंक। सुन के बानर सिर हिलावलस और एगो टहनी तोड़ के नीचे फेंक देलस। हाथी, अब एकरा के आँख में कैसे लगावल जाला ई काम तू करबा। तू बस अपन दोनों आँख खोला, हम एकर पत्ता के तूर के में से अच्छा से दूध निकाला तानी। सुन के शेर कहलस, हाँ हाँ जल्दी करा। सुन के हाथी बानर की तरफ देख के मुस्कुराइलस और तब वो जमीन पे पड़ल टहनी अपन सूंड में उठौलस। ओकरा में बहुत सारा पत्ती लागल रहे। हाथी शेर के आँख पे ले जाके वो टहनी के ऐसे निचोड़लस कि एगो मोटा बूंद शेर के आँख में टपक गई। फिर वो बिना देर के ओकरा दूसरा आँख में भी एगो बूंद टपका देलस। महाराज कैसन महसूस हो खता? बहुत बढ़िया, ठंडा ठंडा। शेर कुछो देर अपन आँख ना खोललस और ओकर ठंडा के मजा लेवे लागल। फिर अचानक से ओकरा आँख में जलन होखे लागल और चीख मार के दहाड़े लागल। इका, अरे बहुत तेज जलन होता रे, और हम कुछ देख भी नहीं की पावत। अब सारा जानवर जौन छुपल रहन जा उस सब बाहर आ गयलन जा। शेर आँख तक खोल ही ले रहे, पर अब वो अंधा हो गयल रहे। वो इधर उधर टक्कर मारत रहे और गिर जात रहे, फिर खड़ा होके चिल्लाए लागत रहे। ये सब देख के जानवरन के बहुत मजा आवत रहे। ये सब का हा? इनका कुछो नजर कहे नहीं ख्यावत। ये सब हमनी के चाल रहे तू दोनों से छुटकारा पावे खातिर। अभी कभी देख ना पाई और तू हमनी के कभी चुगली भी ना कर पाई बे। ये कह के हाथी लोमड़ी के गर्दन अपना सूंड में दबा लेला और फिर बानर लोमड़ी के आँख में भी उहे दूध टपका देलस। अब वो दोनों अंधा हो गए रहन सा। अब सब जानवर उ दोनों के उकनी के हाल पे छोड़ देलन सा। तब हाथी कहलस, काहे दोस्त लोग, अकल बड़ी या शेर? सुन के सब जानवर जोर जोर से हंसे लगलन जा और खुशी मनावे लगलन जा।